दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। प्रदेश वन निगम उपाध्यक्ष सूरत नेगी ने किन्नौर जिला के सापनी पंचायत क्षेत्र में 10 लाख रुपए की लागत से बनी सड़क का निरीक्षण किया। यह सड़क सापनी टैक्सी स्टैंड से पंचायत घर तक के क्षेत्र को जीप योग्य सड़क मार्ग से जोड़ता है। इस दौरान श्री नेगी ने बताया कि जल्द ही इस संपर्क मार्ग को पंचायत घर से आगे सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक बढ़ाया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस सड़क का फायदा मिल सके। इस दौरान श्री नेगी ने ग्रामीणों की मांग को देखते हुए सापनी कंडा तक भी सड़क मार्ग खोलने का भी आश्वासन दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने श्री नेगी का फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए रिकांगपियो से मोहिंदर नेगी की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।